नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं केसरिया की यात्रा पे। केसरिया बिहार का एक बहुत ही छोटा सा पहले गांव हुआ करता था, जो कि अब बड़ा होकर के कस्बा हो गया है। पहले यहाँ बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं आते थे, लेकिन जब से पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप की खोज की है, तब से यहाँ काफी टूरिस्ट आने लगे हैं। हालांकि उन टूरिस्ट में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो बुद्धिस्ट कंट्री से आने वाले लोगों की है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है। इन्हीं देशों से ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। हालांकि अभी भी केसरिया भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है इसकी कनेक्टिविटी। अभी भी केसरिया की जो कनेक्टिविटी है वो पूरे देश से बहुत अच्छी नहीं है, ये अभी भी अलग थलग है। केसरिया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो पटना एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आते हैं और वहाँ से वो अपने साधन से केसरिया आते हैं और शाम तक वापस चले जाते हैं। इसके अलावा केसरिया का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह है चकिया। अगर आपको चकिया तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मुजफ्फरपुर तक ट्रेन से आ सकते हैं और वहाँ से आप बाई रोड या बाई ट्रेन चकिया तक जा सकते हैं। चकिया से आपको केसरिया जाने के लिए ऑटो या बस मिल जाती है। चकिया से केसरिया की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। चकिया से केसरिया जाते समय आपको बहुत ही हरा भरा नज़ारा देखने को मिलता है। सड़क के दोनों ही ओर बहुत ही घने आपको पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ के किसानों की मुख्य आमदनी का स्रोत खेती से ज़्यादा बागवानी है, तो यहाँ पे आपको आम और लीची के पेड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो लीची के पेड़ अगर आपने अब तक नहीं देखे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप उसी मौसम में आएंगे तो ही आपको लीची पेड़ पे दिखेगा, नहीं तो पेड़ खाली मिलेगा आपको। ऐसा अनुमान है कि इस स्तूप का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। चीनी यात्री फाहियान ने भी इस स्तूप का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो रास्ते में एक दिन उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और अपने साथ आए बौद्ध भिक्षुओं को अपना भिक्षा पात्र देख करके यहीं से विदा कर दिया था। फाहियान जब यहाँ आए थे केसरिया तो उस समय भी स्तूप की हालत अच्छी नहीं थी, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। आने वाले समय में इस स्तूप को पूरी तरह से मिट्टी से ढक दिया गया था, जिस पर बाद में पूरा का पूरा जंगल उग गया था। वो अभी भी आधे पोर्शन में जंगल है। वक्त के साथ लोगों ने इस स्तूप को भुला दिया था। अब क्योंकि ये पूरी तरह से जंगल से ढक चुका था, एक टीले के रूप में आ चुका था, तो जैसा कि अक्सर होता है हिंदुस्तान में कि कोई भी ऊंचा स्थान होता है तो वहाँ पे देवी देवता की स्थापना कर दी जाती है। इसके ऊपर भी एक मंदिर की स्थापना कर दी गई और इसको देवला कहा जाने लगा और आसपास के एरिया के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आने लगे। लोगों में आस्था इस मंदिर को लेकर के काफ़ी हो गई थी। फिर जब 1998 से जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो फिर पुरातत्व विभाग ने उस मंदिर को वहाँ से हटा करके नीचे स्थापित कर दिया है, जो मंदिर आप नीचे देख सकते हैं जब आप यहाँ पे आएंगे। तो 1998 से अब 2018 तक भारतीय पुरातत्व विभाग इसका 50-60% ही काम कर पाया है और लगभग 40-50% अभी भी ये पूरा पीछे का पोर्शन जंगल है। इसे मैं पुरातत्व विभाग और सरकार का निकम्मापन ही कहूँगा कि पिछले 20 सालों में ये पूरी तरह से इसे विकसित नहीं कर पाए। अगर ये पूरी तरह से इसे डेवलप कर देते तो आज ये भारत के मुख्य पर्यटन केंद्रों में से एक हो सकता था। केसरिया एक प्राचीन शहर है। अगर यहाँ आसपास के एरिया में ठीक से खुदाई की जाए तो बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिल सकते हैं। यहाँ एक शिव मंदिर है, उसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1969 में यहाँ एक नहर की खुदाई हो रही थी जिसमें एक शिवलिंग निकला था। ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है। इस शिवलिंग को यहाँ के एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया है और ये अब डेवलप किया जा रहा है इस मंदिर को धीरे धीरे करके। यहाँ पे इस मंदिर में भी लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है और हमेशा सावन के महीने में यहाँ एक महीने मेला लगता है और बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पास में ही एक राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
जो कि दुनिया का भविष्य में सबसे बड़ा मंदिर होगा। ये अंकुरवाट से भी बड़ा मंदिर होगा और यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी कंप्लीट नहीं है और अभी काफ़ी वक्त लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो जब भी ये पूरा होगा मैं आपको वहाँ भी बिल्कुल घुमाऊँगा। इसी के साथ आज की यात्रा खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।